नमः सिद्धि हम कर लेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो हरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयिरियार्णम नमो वज्रायार्णम नमो लोये सब साहूर मंगलमय मंगल कर बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंता धीमा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बल। पेज नंबर 218 मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, मिला कितने ही जीव संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवर्तता देखकर आप भी प्रवर्तते हैं। शुद्धात्मा को देख के प्रवर्तित तो लाभ हो, भगवान आत्मा अनुभव करता हुआ प्रवर्तित तो लाभ हो, महापुरुषों को देख करके प्रवर्ता, जैसे आदिनाथ भगवान को देख करके 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, महापुरुष तो अपने शुद्धात्मा को देख रहे थे और 4000 उन्होंने देख रहे थे। जब ये दीक्षा ले रहे हैं तो अच्छी चीज होगी, चलो ये कह रहे हैं आनंद है तो आनंद ही होगा, इनका तो पंच कल्याणक हुए हैं, इनका तो मोक्ष होगा, अपना भी हो जाएगा इनके साथ, इनकी संग चलो, समझ गए। 4000 राजाओं ने देखा देखी, जहां तक देख सकती थी वहां तक तो देख लिया, क्या कह रहे, जहां तक देख सकती थी वहां तक देख लिया, कि घर से जंगल आए बेबी आ गए, उनने कपड़ा उतारे, उनने उतार लिए, उनने केस लगाए, इनने कर लिए, अब यहां तक तो देख देख के कर लिया, बैठ गए तो बेबी देख के बैठ गए, अब भी तो देख गई, ये तो बैठे से बैठे बैठे 6 महीना, अच्छा देख के 6 महीना कैसे बैठे, वे शुद्धात्मा देख रहे थे, जी अपने को दास देख रहे थे, जी भगवान है हम उनके दास है, दीक्षा ली हमने ले ली, दास देखने वाला 6 महीने कैसे बैठेगा, परमात्मा अनुभव करने वाला तो 6 महीना क्या अनंत काल बैठेगा, कैसे बैठे तो देखा देखी करने वाला बाहर तक ही जा सकता है। अब इसकी मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, आप जब भी सत्संग में रहते हो ना तो आप बाहर देख करके प्रभावित होगे तो बाहर तक ही रह पाओगे, इसीलिए शिकायत होती है हम अकेले में जाते हैं तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, अकेले में जाते हैं तो सटावस्था का भी ठिकाना नहीं पड़ता, अकेले में जाए तो रात्रि भोजन भी होने लगता है, जिसका जैसा गलती हो है। कितने ही देखा देखी जैन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तती है, देखा देखी शुद्ध क्रियाएं होती तो उसमें प्रवर्ती जाती है, अशुद्ध क्रिया होती तो उसमें प्रवर्ती जाती है, तुमने तो जैसा पानी छानना देखा था वैसे छानने लगे, अब शुद्ध क्रिया की अशुद्ध क्रिया जी पता ही नहीं, तुमने देखा मंदिर में लोग माला फेरते हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा वो माला कैसे फेरना चाहिए, मंदिर में देखा एक व्यक्ति माला फेरता रोज तो रोज वे फेरने लगे, उन्हें देख के तीसरा फेर रहा, फिर वो ऐसे ऐसे देख के फेर रहा था तो उसे देख के ऐसे फेरने लगे कोई यहां से बैठ के फेरता है तो यहां से मतलब कोई जेब नहीं पूछता हम यहां से बैठे कि यहां से बैठे, मुझे कई बार इतना दुख होता है माला फेरने के नाम यहां से बैठ जाते, ये तो अपराधी हो जो यहां से बैठे सिर झुका के, कोई पूछता भी नहीं किसी से, पढ़ता भी नहीं क्या माला कैसे फेरी जाती है,
हम तो बहुत छोटे थे जब पढ़ लिया था कि सिर झुका के नहीं बैठना उसमें। 32 तरह के दोष हैं, माला फेरने की सामायिक करने के 32 दोष हैं। सिर झुका के नहीं बैठना, सीना आगे करके नहीं बैठना, ऐसे ऐसे ऐंठ के भी नहीं बैठना, सीना आगे करके ऐंठ के नहीं बैठना, सिकुड़ के नहीं बैठना। जैसे ठंडों में, ठंडों में अक्सर बैठ ऐसे बैठ जाएंगे, ओढ़ वाली ऊपर माला फेर रहे या सामायिक कर। लिखा है कछुए की तरह नहीं बैठना सिकुड़ के। पूजा क्रिया तो बहुत ही गलत चल रही है एकदम। 99% पूजा पाठ प्रक्षाल की क्रियाएं गलत होती है। बच्चा उन्हीं से देख के सीख जाता है, और जिस वजह से हमारे पिता ही सही कर रहे तो अपन सही कर रहे है ना। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। स्वयं आप विचार करके मतलब स्वयं विचार करके, स्वयं विचार करके जिन धर्म का क्रिया तो पहचानते हैं, रहस्य नहीं पहचानते। बहुत बढ़िया शब्द है, रहस्य नहीं पहचानते। अनेक प्रकार के जीव अपने आप विचार कर, अपने आप विचार कर माने स्वयं विचार करके, विचार कर जिन धर्म का रहस्य, ये शब्द याद रखना, जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। और जैन ही नाम धारण करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। बड़ी झगड़े हैं और मिथ्या दृष्टि में झगड़े होते हैं, इसीलिए इसमें झगड़े होते हैं। हर आदमी सोचता तुम मेरे लिए स्वाध्याय क्यों नहीं करती। इस समय मोक्ष में सब थोड़े झगड़े ही झगड़े हैं, तो हमारी तरह गुरुदेव को क्यों नहीं सुनती, जितनी देर हम सुनते तुम क्यों नहीं सुनते, समय सार जी क्यों नहीं पढ़ती और पद्म पुराण क्यों पढ़ती। अरे जी भी कोई बात हो गई, मैं सब अपने अपने तरीके स्वाध्याय करेंगे। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई चरणानी भी ज्यादा पढ़ लेगा, कोई प्रथमानी भी ज्यादा पढ़ लेगा। चरणानी कब पढ़ना चाहिए, चरणानी कब पढ़ना चाहिए, तुम्हें कब पढ़ने की इच्छा होती चरणानी हो? केवल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं, नई किताब है चलो अच्छी है देखो चल पढ़ लेते हैं। लेकिन मालूम कब पढ़ना चाहिए, जब कोई भी आचरण आचरना हो तो उसे पढ़ना चाहिए। जैसे आज तुम्हें इच्छा हो रही है कि आज हम भगवान का अभिषेक करें, तो पढ़ो ग्रंथ। अभिषेक की विधि क्या है, तरीका क्या है, पूछो जैसे चार लोगों से पूछो। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना है, ऐसे चले जाते हो, आज हमारी इच्छा है हम ऑपरेशन करेंगे, तो हम किताब पढ़ते हैं, जो पूरा पढ़ाई करके जाते हैं, चार लोगों से पूछ के जाते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद भी सर्जन की निगरानी में जाते हैं। और अभिषेक करने तीन लोग के नाथ कोई मतलब ही नहीं, गए और कभी इसी बात पे झगड़ा हो जाए, हम 12 बजे क्यों नहीं कर सकते, हम 11 बजे क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे भगवान है क्या, तुमने कब्जा कर लिया क्या, इसी भी झगड़ा हो जाए। मिथ्या दृष्टि में कुछ भी हो सकता है। पूछो 10 बजे हम आए, आज लेट आए, तो भगवान का अभिषेक कर सकते कि नहीं, धारा करवा सकते कि नहीं, देख सकते कि नहीं, कुछ पूछने नहीं। ये शांति धारा होती, शांति धारा इसकी विधि कौन से ग्रंथ में लिखी है, नहीं कोई विधि लिखी हो कहीं बताओ। रोज बोलियां लगना चाहिए, रोज वहां पैसे आना चाहिए, उसमें सबके नाम बोलने चाहिए, कहां लिखी, कौन सी विधि लिखी है। अभी तो अपन सब जिंदा है, देखे हैं ना अपने, था तुमने भी देखा ही होगा, कब होती थी शांति धारा पहले मंदिरों में, केवल 10 लाख वो जुलूस निकलते थे, बड़े बड़े जुलूस निकलते थे साल भर में, महावीर जयंती वगैरह, तब उस समय शांति धारा की बोली लगती थी। अब रोज के काम हो गया, मेरा मतलब
कोई काम करो तो पढ़ तो लो, है भी कि नहीं तुम्हें। अभी तुम दक्षिण में चले जाओ तो रात को भी कुएं पानी खींच के दे देगा 3 बजे, 101 रुपए दे दो वापस, 51 ही दे दो, 51 दे दो, झट कुएं में पानी डाला, हम देख के दंग रह गए, नहाया ना धोया हो, रात को 12 बजे पहुंचे हो कहीं पर आया फटाफट एक घड़े में पानी निकाला, आंसर पानी लो अभी से कर लो, दिया जला दिया, बोली कर उन, वो तो बेचारा आज यहाँ नहीं होगा मेरे ख्याल से, जैन तो नहीं होगा, लेकिन हम तो इसकी बात करें, मतलब कोई भी आचरण। आज तक महिराज को आहार दान देना है, कोई नहीं ग्रंथ खोलता कि ग्रंथ में आहार की क्या विधि है, 46 दोष कौन से टाले जाते हैं, 32 अंतरा कैसे टाले जाते हैं, कोई कुछ नहीं पढ़ना, सीधे चौका में गए बनाना शुरू कर दिया, कुआ पानी आ गया और फटाफट फटाफट सारा काम हो गया शुरू हो गया। एक दूसरे से पूछ लेते हैं लेकिन शास्त्र में नहीं समझ गए, चरणानी को पढ़ना चाहिए, आज तुम्हें दुकान खोलना है तो दुकान के संबंध में शराबों के बारे में क्या लिखा है पढ़ो, नहीं नहीं वो तो बस खत्म। इसलिए पंडित साहब ने निकाली जीवन पथ दर्शन, जीवन पथ दर्शन, आपको कोई काम करना है इसे पढ़ लो, बच्चों को हॉस्टल भेजना है पहले पढ़ो इसमें, कैसे भेजना है, शादी करना है इसमें पढ़ो पहले शादी कैसे होती है, स्वाध्याय नहीं होने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नई पीढ़ी ने तो इतना भी नहीं देखा, पिताजी कुछ देखते थे उन्हें देखा ही नहीं, पिताजी कोई बात पर कोई अखबार ग्रंथ देखते थे खोल के, कोई निर्णय आगम से मांगते थे कि समाज में पूछते थे कि विद्वान से पूछते थे, तो बहुत इसमें क्या हुआ, इंटरकास्ट में क्या हुआ, लड़का लड़की राजी क्या करेगा काजी चट्टी, इसमें क्या होता है, ये तो तुमने बनाया है सब कुछ, मैंने उसे कभी अपने बाप दादाओं को देखा ही नहीं ग्रंथ खोलते हुए, ये है समस्या, खून सबका एक ही जैसा है। हाँ। मैंने ग्रंथ खोल के देखने की आदत होती है तो बच्चा भी पूछता अपने ऐसे करना कि नहीं करना, मतलब जैनियों में भी वो बर्थडे पे केक बनने लगा, केक तो ईसाइयों में बनता, तुम्हारे कहाँ लिखा केक, भाई मना ना तुम जन्मदिन तो पढ़ो ना चरणानी पढ़ो, समझिए मैं 4-4 दृष्टांत देखे इसलिए कही, कोई काम करना जिनागम पढ़ो, प्रोटवन जी क्या लिखा है, शुद्ध क्रिया अशुद्ध क्रिया को अपना लेता है, जैसी चलती है घर में परिवार में समाज में ऐसी अपना लेता है, लिखा ना पढ़ो फिर से, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में परिवर्तिती है, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव स्वयं विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते, स्वयं पहचान नहीं रहस्य पहचान रहे, स्वयं रहस्य पहचानना पड़े, इसलिए लिखा है गुरु जो करे वो नहीं करो, गुरु जो कहे वो करो, क्यों तुम उनके रहस्य को पहचानोगे नहीं, तुम तो देखो विद्या से कर रहे थे वो ही तुम करने लगोगे, गुरु माने बड़े जन, कोई भी कुछ भी करे उसको फॉलोअप मत करो, देख के पूछ लो आपने ऐसा क्यों किया, अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशन बने, इसलिए निर्णय करना सीखना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं एक ही काम जिंदगी में सीखो, एक काम निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग सीखो, जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते हो जैनी नाम धारण करते हैं, बेसब मिथ्या दृष्टि ही जानना, इतना तो है, अब इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, बिना पढ़े लिखे भी तुम चौका लगाओगे तो रोज की तुलना में तो अच्छा लगाओगे, रोज की तुलना में अच्छा लगा हुआ, लेकिन जैसे महिराजों के लिए लगना चाहिए वैसा नहीं लगा पा, हमसे बहुत कहते हैं लोग नहीं हम चौका लगा देंगे आपका, मैंने आपने लगाया है कि नहीं, तो फिर कैसे लगा दोगे, क्योंकि जो हैबिट होती है ना हैबिट, जैसे छन्ना जमीन पर रखने की आदत चक्कू जमीन पर रखने की आदत चिमटा जमीन पर रखने की आदत, अब जिस जिसकी आदत होती है वो थोड़ी चौका के नाम पे बदल जाती है, वो तो हैबिट पड़ी हुई ना हैबिट भट, जैसे नहाते समय मग्गा जमीन पे रख देने की आदत, अब जिसकी पड़ी है तो पड़ी है वो,
चाहे तुम हमारे कमरे में ना लो, चाहे खुद के कमरे में ना लो, चाहे मंदिर में ना आया, जमीन बिगाड़ दो बैठे। उठते समय ऐसे हाथ टेक करके उठने की आदत, भगवान को ढोक देते समय ऐसे ढोक दे, ऐसे उठे। अब जी आदत पड़ गई, अब तो मुनि महाराज के सामने भी ऐसी करो। मुनि महाराज पधारे तो आपने वैसी ढोक दी और जमीन पे हाथ रख के उठ गए, और फिर उनके पैर रंग करने लगे, और फिर जरूरत पड़ गई तो हाथ और भी सेवा करनी पड़ सकती, कभी सफाई करनी पड़ी कोई, तो आप करें। आपने जमीन के हाथ लगा लिए, आपको याद ही नहीं रहा। वो गजब बात है, जमीन से हाथ लगाए उठे और फिर चौक आहार दान देना है तो एक बूंद पानी लेते, एक बूंद कटोरा जिस जमीन के हाथ हो है, और एक बूंद पानी ले लिया तो वो भी खराब हो गया, और फिर तेल की तरह पूरे फैला लिया। पालिश हुई, मालिश क्या हो, हाथ कहां धुली। और फिर वो एक तो एक वो ले लिया कपड़ा, उसे भी गंदा कर दिया। हैबिट हंसनी बात नहीं, हैबिट की बात है। इसलिए हम कहते हैं निरंतर अभ्यास का काम है चौका लगाने का, हर चीज में अभ्यास अपने घर से चालू है। हाँ, कपड़े धोना है तो कैसे धोगे, कितनी साबुन लगे, कितना पानी होगा, वहां देखना कितनी सूखा है कि गीला है, जीप कितने पड़ रहे हैं, कैसे पानी कितना डालोगे, सोचो। तो ये सब बिल्कुल सीखने की चीज है, एक एक समझ गए। अब हमारे पास रे क्या है, 24 घंटे, एक ही चीज देखो तो सीखो। हाँ, एक साल 15 दिन 20 दिन चल जाती, महीना और चल जाती, जब जैसे चल जाती, क्यों चल जाती एक महीने। अब बहुत बातें हैं इसकी, हमारे कपड़े ज्यादा क्यों चलती है, अब तुमने कपड़े में पानी नीचे उड़ा है, उन्होंने ऐसा करा, अब ताकत को लगा है और डाल दिया, अब यहां सुबह आ रहे, अब कपड़ा 12 घंटे में सूखा वाला तो 12 घंटे सड़ेगा वो, जैसे घास 12 घंटा पड़ी रहेगी पानी में तो जीप पड़ेंगे उसमें, ऐसे कपड़े में जीप पड़ेंगे और सड़ेगी, तो कपड़े की उम्र भी कम होगी और आनंद जीव होगी, राशि भी मरेगी। तब ये काम प्रैक्टिकल संग में हो, हम तो ये कह रहे ना तो पूछता है और न ग्रंथों में पढ़ता है, ये कह रहे हैं। और ग्रंथों में पढ़ के भी नहीं समझ में आई, वो तो कोई गुरु चाहिए, वहां तो सामान्य एक लाइन लिखी हुई है, विवेक और अहिंसा का पालन किया जाए, क्रियाओं में अहिंसा होना चाहिए। अब एक जगह लिख दी क्रिया में अहिंसा, अब कितनी क्रिया, जितनी क्रिया सब में अहिंसा होनी चाहिए। वो बड़े जनों से आती है, संग रहने से आती है। आगे समझ में आया, देखो इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत हैं। यदि जैन धर्म के अनुसार आचरण कर ले तो एक भी जीव नरक तो जा ही नहीं सकता, उत्तरी अंश में भी नहीं जा सकता, केवल पानी भर छान ले करुणा से, करुणा से पानी भर छान ले, रात्रि भोजन नहीं करे, मैं सामान्य आचरण है, अभक्ष नहीं खाए, गारंटी है देवगति में ही जाएगा। पानी भी छानेंगे, जो पानी छानने की विधि है जिस तरह से छन्ना, वही 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 कह रहे, वो हमने पहले ही कह दी, पहले ही कह दी हमने, हम पहले ही चार जैसे थोड़ी कह रहे हैं। अरे इसलिए जो कुल आदि से भी जैनी हैं, कुल आदि कुल अपेक्षा से वे भी औरों से तो भले ही है, औरों से भले हैं, और अन्य मतावलंबियों से कम इनकी वजह से मंदिर तो खुल रहे हैं, अन्य मत वालों से तो मंदिर नहीं खुलेंगे, अपने मत वाले ही भले मिथ्या दृष्टि है लेकिन मंदिर रोज खोल रहे, झाड़ू पोछा कर रहे, तो कभी न कभी कोई सम्यक दृष्टि जन्मेगा, कभी सम्यक दृष्टि आएगा, उसे सम्यक दर्शन का मार्ग मिल जाएगा, वैसे उनसे तो बल ही। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछा, जैसे इसमें लिखा जीव आप विचार कर जिन धर्म का रस नहीं पहचानते, मैं जिन धर्म का जब हम रस पहचानते हैं तो अनंत बार हम लोग तीर्थंकर की दुख जनी उनके समोषण में जाकर के सुनी, उसके बाद जैसे आज हमें गुरुदेव के प्रभाव से हमें ये बात समझ में आई, तो सत्संग में जो समोषण में जो बात हमने तीर्थंकर की सुनी उसका भी अनुभाग इस पर्याय में आता है क्या, उस समय की कोई अनुभाग नहीं आता, कोई अनुभाग नहीं आता, प्राग भाव है, जिस पर्याय की जो योग्यता होती है वो स्वतंत्र होती है, उस समय रहस्य समझे होता तो वही सम्यक दृष्टि हो जाता, समोसरण में सुना होता
रहस्य, रहस्य समझिए, रहस्य हर चीज का एक रहस्य है। स्वाध्याय का रहस्य, स्वतंत्रता का वेदन बहुत बड़ा रहस्य है जी। शब्द तो जल्दी कह गए हम, आचरण में अहिंसा, विचार में अनेकांत, भाषा में स्यादवाद, ये रहस्य हैं। इसे पहचान ले तो बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन वो पर्याय का इधर तक कुछ नहीं आता। सुना है अनंत वारों से क्या आता है, कुछ नहीं। पर्याय तो स्वतंत्र ही है, व्यय हो जाती है, कुछ 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 नहीं आती, कुछ नहीं, सब कहने का उपचार है। आगे देखो, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार से, अब तीसरे प्रकार के व्यवहारभाषी, व्यवहारिक आचरण करने वाले अब तीसरे प्रकार के कैसे हैं, सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार का प्रयोजन चाहती, अविरल सांसारिक प्रयोजन कौन कौन से होती, बोले बोले बोलो क्या उपयोग क्यों नहीं लग रहा, इसलिए नहीं सोच पा रहे। संसार का प्रयोजन, संसार का प्रयोजन, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, धन कमा दें, शरीर स्वस्थ हो जाए, मुकदमा जीत जाए, हमारे दुश्मन का नाश हो जाए, हमारे मित्र का मिलन हो जाए, सब सांसारिक प्रयोजन हो गए। सोच नहीं रहे ना, सोचते नहीं इसलिए नींद आ जाती। ध्यान से सुनो, तथा जो जीव लो तो तथा जो जीव कपट से आजीविका के लिए, बड़ाई के लिए, प्रशंसा पाने के लिए कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होती हैं, ऐसे भी है। फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद बहुत सारे जैनी, जैन चाट भंडार है, महावीर चाट भंडार, पारसनाथ चाट भंडार, जैन चाट भंडार, ठेला लगे वहां फिरोजाबाद। तो हम प्रवचन करने गए 10 लक्षण में, तो हम देखा हमने, भाई इनकी जी तो बड़ा दुख लगता है, 10 लक्षण के दिनों में ये लोग बेच रहे हैं, इन्हें बुलवा लो, 10 दिन तो मत चलाओ कम से कम, यदि गरीबी है तो कम 10 दिन 10 लक्षण में तो मत चाट पकौड़ी बेचो रात को दिन को। तो भी सब कह रहे वो जैनी थोड़ी है, जैनी नहीं है, फिरोजाबाद में एक भी जैनी ऐसा नहीं है जो ठेला मेला लगा है, सब संपन्न है, बहुत व्यापार है अच्छा खासा। तो भी जी कौन है, तो बोले जे बिल्कुल भी है जो हरिजन SC ST जे इधर उधर की, मैंने हल्की जाति वाले, और जैन इसलिए लिख देते महावीर की जैन लोग खा जाए, जैन बहुएं खा जाए, समझ गए। और इतने तो प्रतिबंध लगवाओ इन पर, यदि ऐसा है तो इन पे तो मुकदमा करो, नगर निगम में शिकायत करो, पुलिस में शिकायत करो, ताकि अपना नाम का दुरुपयोग नहीं करें। मान लो अंडे बेचने लगे तो फिर इनको करना चाहिए। देखिए आपको इतना विचार आया तब मन पड़ा कि ये समझ गए, ध्यान रखना भैया, जैन के नाम पे कोई और कर रहा है तो करना तो तुम्हारा काम है जी। अब जैन महावीर का नाम कैसे लगा सकती हो, मतलब किसी के नाम पे किसी की दुकान चल रही है, कपट से आजीविका के लिए, प्रशंसा पाने के लिए शिविर लगते हैं, विधान होती हैं, पंचकल्याणक होते हैं, तो जैन समाज के हजारों बच्चे आ जाते हैं, धर्म करने नहीं आते, वो प्रशंसा पाने के लिए आते। अभी हम तुमसे कह रहे बेटा रोज 1 घंटे मंदिर में सेवा करो, नहीं करोगे, लेकिन 10 लक्षण में जाओगे, पंच कल्याणक में जाओगे, क्यों, सबकी नजरों में आ जाए। बड़े बड़े काम कर देंगे, दाड़ 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 लाओ लाओ करते, लाओ करे लाओ करे, कर दो सही, लेकिन काय तुम धर्म के लिए आए थे, धर्म माने समाज दर्शन के लिए आए, बड़ाई के लिए आए। अब सब जने बातें करते थे, समाज बातें तो होती, उनका लड़का ने बहुत काम किया भैया, उनको रात रात दिन दिन हम तो देख रहे भैया, इतना काम किया, इतना सुनने के लिए, हम ही नहीं कह रहे, ये होता ही स्वरूप ही है। हमने भी शिविर वगैरह लगाए तो हमें कार्यकर्ते ही नहीं मिलते, 4 महीने पहले से हम उनकी बना दो कमेटी, सब कुछ कर दो, उन्हें डिपार्टमेंट दे दो, उनके नाम छाप दो, पत्रिका छाप दो, सब कर दे, लेकिन नहीं आते, मीटिंग में ही नहीं आते। और इतनी चिंता हो जाती है, अब क्या होगा, मैं चिंता मत करो, शिविर शुरू होने दो,
सब आएंगे और सब आ जाती, इतने कार्यकर्ता जाते हैं शिविर के टाइम और कोई कमी नहीं पड़ती, झाड़ू से पोंछा से सब काम होती, कुछ नहीं भी करती सब, जो पहले से नहीं आई क्यों नहीं आई बड़ाई के लिए शब्द शब्द के लिए कपट, आत्म कल्याण नहीं करना ही कपट है। कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार का जेनी होती, समाज में एक पद्धति इसलिए चलाई गई है, समाज का जीवन भोजन पंगत पुराने जमाने क्यों कुछ लोग आते ही नहीं थे, अब गोलाकोट पचराई बिल्कुल इंटीरियर गांव में है, वहां कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ नहीं जंगल ही है, लेकिन हमने भोजन रख दिया तो आसपास के सारे गांव के 2-5 हजार लोग आ जाएंगे, भोजन रख दिया विषय का सारा आप डांस प्रतियोगिता रख दो, कोई खेल कूद रख दो, कोई नहीं ऐसी कोई आइटम रख दो, झट जाएंगे। अभी तुम देखे मंदिरों में पैसे जोड़ने भी नहीं, क्या हो गई, टिकट खरीदो 100 रुपए का, कार निकलेगी हवा, मानो जैन मंदिर के विज्ञापन में 10 लक्षण के समय विज्ञापन में क्या है, आपको कैमरा टेलीविजन कार स्कूटर कैमरा, जो पहले पहले कैमरा रखते थे ऐसी चीज नाम में रख दी, वॉशिंग मशीन, ये भगवान जैन मंदिर से जी चीज आएंगी सौ रुपए का टिकट खरीदो इतने लाख के नाम निकलेगी, तो वो मंदिर में दान दे रहे 100 रुपए का, ये जुआ खेल रहा है मंदिर में, लॉटरी तो जुआ ही है, सुने काय का वर्णन चल रहा है, जिसको जोरी लाजी लिखा है कछु शुद्ध बोध ना ही रही है, मिथ्या मति छाई गई है, बहुत कठिन पाठ है, धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से दान का दान फला, और भी अपना गणित लगा लेते हैं शिखर के ऊपर कलश पे कोई व्यक्ति करेगा तो 1000 रुपए ज्यादा नहीं देगा, और इसमें इतने इतने पैसे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और फिर एक ही आदमी कहीं के टिकट खरीद लेगा, कैसे कैलकुलेशन चलता बनियों जैसा, भक्ति वाला कैलकुलेशन खत्म हो गया, भक्ति देखना सोनगढ़ में देखी हम लोगों ने, आप पंचकल्याण की बोलिए, पहले पंचकल्याण कहीं भी प्रवचन नहीं होते हिंदुस्तान में, केवल सोनगढ़ से स्टार्ट हुए प्रवचन, क्यों उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, इतनी लंबी लंबी बोली गिनती 1-2-3-3 घंटे तक बोली ही चलती रहती, पब्लिक बोल जाती भग जाती बेचारी, और स्वामी के सामने क्या होता था 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगती थी बोली, बोली नहीं लगी प्रवचन टाइम से स्टार्ट होगा तो पब्लिक जम के बैठी रहती थी, तो फिर बोली कैसे पूरी हो जाती थी कि लोग पहले से कह जाते थे भैया हमें 50,000 तक लेना है कुछ, आप जिसमें चाहो उसमें हमारा नाम लिख देना, 1 लाख तक लेना, 11 लाख तक लेना, पहले ही एडवांस में नाम आ जाते थे, अब देखना पंचकल्याण गौर से पहले ही नाम आ जाते, हम बड़े ताज्जुब, बाबू भाई जी खड़े हुए बोली करने के लिए, हाँ भाई एक घोड़ा और बचाए 11,000 एक 15,000 21,000 1-2-3, तो हम लोग सोचे इतनी जल्दी क्यों कर रहे, थोड़ा रुको तो और बढ़ेगी, लेकिन वो कहते नहीं हमारे पास लिखी है, हमें उससे ज्यादा नहीं करना है। दादर में देखना, दादर कभी जाओ तो दादर के 10 लक्षण में 14 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं, हाल किराए से लेते हो तो 14 लाख लगते हैं, 10 दिन का खर्चा 14 लाख, तो 2 दिन से 3 दिन नहीं जाता, दूसरे दिन वो खड़े होकर कहते हैं अब हमें पैसा नहीं चाहिए, दादर का गणित है बिल्कुल, अगले साल के लिए जोड़ के नहीं रखते, जैसे आ रहा पैसा तो लेकर रख लो, नहीं हाथ जोड़ के मना कर देंगे भैया अब हम पैसा नहीं चाहिए, 2 लाख हमें इतने चाहिए, तो 2 दिन में पूरे हो गए छट्टी, फिर जितनी संस्थाएं आती थी उन्हें दिलवा देते दान, ये खुद नहीं लेते, लेते ही नहीं, तुम दोगे तो नहीं लेंगे, कोटा का हिसाब है, कोटा में युगल जी बाबू जी ने मंदिर बनाया सब बनाया, पूरे देश एक पैसा नहीं दिया, किसी से नहीं लिए, बसंत भाई जी से नहीं लिए, ट्रस्ट से नहीं लिए, प्लास के भे तो चाहे कितनी मदद ले सकते, ये तो उसके अध्यक्ष थे, एक पैसा नहीं लिया, हम लोगों से तक नहीं लिया, नहीं बोले जब हम अपना घर अपने पैसे से बनाते हैं तो क्या हम नगर के लोग अपना मंदिर अपने पैसे से नहीं बना पाएंगे, नहीं लिया, शिविर लगा तो शिविर 1974 का
पूरे देश से पैसे नहीं लिया। मैं हमेशा सुनाता हूँ ये बात, क्यों सुनाता हूँ, सबकी सोच रहती है स्कीम निकाल लो, स्कीम पूरे देश से पैसे ले आओ, काय को ले आओ, जिसे देना वही यहीं आके दे देगा, वैसे तो अपने कायदे से लेना ही नहीं चाहिए। उन्हें इतना अच्छा लगता था कोटा मना कर दे, नहीं पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान से पैसे नहीं लेते। तो हाड़ौती वाले रोने लगे आसपास के कि साहब आप ही आप करोगे कोटा वाले, हमारे गांव में तो कभी सिविल लगेगा ही नहीं, और हमारे छोटे छोटे गांव में हाड़ौती के हमारे तो कोई आएगा नहीं कभी, न सादर्मी आएंगे देश भर के, हम कब खर्चे करेंगे सादर्मियों पर। तो फिर हाड़ौती का पैसा लिया था, बस राजस्थान में हाड़ौती मेवाड़ अलग अलग है ना, तो उधर उधर का पैसा लिया, बाकी किसी का नहीं। जी है आदर्श बात है, मैं किस बात लिए कह रहा हूं, जी स्कीम बनाई क्यों जा रही है, क्यों भक्ति नहीं, क्या कह रहे हैं भक्ति में स्कीम खत्म हो जाती है, स्कीम में भक्ति खत्म हो जाती है, हमें स्कीम चलाने क्यों पड़ रही है, स्वाध्याय नहीं है, भक्ति नहीं है, लगते नहीं है अपना काम है, मैंने उनमें भी विषय खसा का प्रयोजन दिखाई देता है। ये बताना है, मान के चलो कोई पार्टी तो है नहीं कि दस पंच कल्याणक में अपनी तरफ से कार दे रही है, कार दी जाएगी किसी को तो कौन देगा, जो दान का पैसा इकट्ठा हुआ उसी में से तो दिया जाएगा, तो निर्माल्य नहीं हो गया वो। अब कोई व्यक्ति इसलिए खुश हो रहा है, अरे हमें तो फायदा हो गया पंच कल्याणक में, बोले क्यों, हमने तो केवल 100 रुपए का टिकट दिया था, कुछ नहीं दिया, और खूब गाया भी आराम से, खूब कार्यक्रम देखा, और 1,00,000-10,00,000 की कार मिल गई। तो जी उसकी सोच सोच भगवान को ठगने जैसी है जी। पहला शब्द क्या लिखा, कपट, जो अजीब कपट से, समझ रहे हो, कपट से आजीविका के लिए, बड़ाई के लिए, विषय का साथ संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं वे तो है। ऊपर ऐसा नहीं लिखा था, ऊपर ऐसा नहीं लिखा, अब लिख रहे वे तो पापी ही हैं। ऊपर के जो दो थे ने उनको तो भले कहा है, उन्हें पापी नहीं कहा, इनको तो पापी कह रहे हैं। अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, ले बहुत जीवन में अपनाने के लिए पढ़ना बेटे अच्छे से, ये तीन गलती नहीं करना, अपने तत्व ज्ञान को आजीविका नहीं बनाना। है प्रशंसा पाने के लिए धर्म मत करो, प्रशंसा पाने के लिए मंदिर नहीं आओ, प्रशंसा पूजा पूजा होगी तुम्हारी, प्रशंसा नहीं चाहोगे तो, और प्रशंसा चाहोगे तो निंदा होगी, क्या बोल रहे हैं, प्रशंसा चाहोगे तो निंदा होगी, और प्रशंसा नहीं चाहोगे तो पूजा होगी, तो पूजा कराओ ना, 100 इंद्र पूजा करेंगे तुम्हारी, सुन रहे, क्या बोला हमने इतनी देर, इसके पहले क्या बोला, अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। तीव्र कसाय नहीं लिख रहे, अति तीव्र, अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, और उनका सुलझना भी, सुलझना भी कठिन है। सोचो कर भी रहे, देखो मंदिर भी आ रहे हैं, पंच कल्याण भी कर रहे हैं, खूब दान भी दे रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन सारा कौन खा गया, ये खा गया, ये कपट खा गया, ये बहुत बुरी हालत होती है इसमें। हमारे यहां तो स्वामी जी की वजह से जितने जी हमारे प्रतिष्ठाचार है, पैसे नहीं लेते, पैसे नहीं लेते, और हमने उनको भी देखा जो पैसे लेते 25-25 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, उन्हें भी देखा, मरते समय ऐसी बुरी दुर्गति हुई, पूछा बात, और पैसा तो सब बांट ले गए सब भाई बंधु उनकी, लेकिन बुरी मौत हुई, बहुत घटना है इसकी। मंदिर का पैसा फलता थोड़ी है जी, जी पहाड़ है ना, पहाड़ 1 लाख में बेच गया था वो नवाब यहाँ का, मरते समय बुरी मौत मरा है वो, नवाबी चली गई, सल्तनत चली गई, सब चली गई, लुट गया था, बुरी मौत मरा है ये पहाड़ बेचने वाला। मतलब तुम धर्म में व्यापार करोगे,
इसलिए लिखा अति तीव्र कसाई होने पर ऐसी बुद्धि होती है। उनका सुलझना भी कठिन है। जी आगे बढ़िए, जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जैन धर्म का सेवन तो संसार का नाश, संसार नाश समझ के, संसार का नाश माने इनका नाश नहीं करना है, मोह राग द्वेष का नाश। भाव संसार है, मोह राग द्वेष, इसको भाव संसार कहते हैं। अपने मोह राग द्वेष के नाश के लिए किया है। स्त्री संबंधी मोह, पुत्र संबंधी मोह, परिवार संबंधी मोह, शरीर संबंधी मोह, इसके नाश के लिए किया जाता है। और तुम तो उल्टा उसी के पोषण करते हो, हे भगवान हम मोटे हो गए तो फला चढ़ाएंगे, स्वस्थ हो गए तो चढ़ाएंगे, शादी हो गई तो करेंगे। मैं तुम तो उल्टा कर रहे हो। ठीक, अब आगे देखो, जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे क्या लिख रहे हैं, बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि हैं। बड़ा अन्याय कर रहे, बड़ा अन्याय क्यों कर रहे, बड़ा अन्याय क्यों लिख दिया, बड़ा अन्याय करते हैं कि जिससे संसार का अभाव होता था उसी से संसार बढ़ा रहे। जी तो बिल्कुल उल्टा काम हो गया, उल्टा काम हो गया ना, जिससे संसार का अभाव होता था उसी से संसार का वृद्धि कर रही थी। जिस पानी से आग बुझाना थी उसी पानी से आग जला रही थी। बताओ जब पानी से आग लगी तो अब क्या होगा आकाश अन्याय हो गया ना, कितना बड़ा अन्याय हो गया। जिस धर्म को हम ये कह रहे थे कि संसार का अभाव होकर मोक्ष होता है, और तुम उसी से जन्म मरण चाह रहे, उसी से संसार चाह रहे, उसी से शादी ब्याह चाह रहे, उसी से सब स्वर्ग आदि चाह रहे, तो ये बड़ा अन्याय, ये बड़ा अन्याय करती है। वे तो मिथ्या, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। यहां कोई कहे हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं, तो बुरा क्या हुआ, दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाती है। क्या पढ़िए देखो, ऐसी सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे। भाई हम हनुमान जी के पास जाके भगवान करते का जो काम इनसे कर ले तो क्या दिक्कत, ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे तुम्हें। भाई देखो हमें कोई मुकदमा जीतना है तो हम जैन है भाई, हम तो अपने पारसनाथ से मानेंगे, हम उधर नहीं जाते पीर पैगंबर पर, अपने भगवान से मांगने में क्या बुराई है, उधर तो नहीं जा रहे। पॉइंट समझ आ गए कुछ, ऐसे अभी भी मिलेंगे लोग कह देंगे चलो अच्छा वो यही कर लिए। हम इसका बहुत खोटा दृष्टांत है, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा एकदम। जैसे ऐसी बात हो गई, हम व्यभिचार के लिए वेश्या के पास नहीं गए तो अम्मा के पास चले गए, हम कब बुरा होगा, कितना गंदा दृष्टांत है। बोलो मैं तुम्हारे भगवान काय के लिए थे, देवसास गुरु काय के लिए थे, जैन कुल काय के लिए था। दारू पीने के लिए हम अड्डे पे नहीं गए, मंदिर में आके पी ले तो क्या दिक्कत है। जे तो कम अड्डे पे नहीं गए, लोग देख लेते तो भगवान सामने पी ले क्या दिक्कत है, विरोध है ना, इसलिए ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं। हमने लॉटरी नहीं खेली, मंदिर में लॉटरी खेल ली, इसमें क्या बुरा हो गया। मंदिरों में डांस प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, वो डांस प्रतियोगिता होने लगी। टेलीविजन देख देख कितने कार्यक्रम आगे घुस गया, टेलीविजन देख देख के, और वहां तो बिल्कुल बेसब्रती एकदम, अब वे इधर होने लगी। अब सोचो हम बेसब्रती करने वहां नहीं, अपने मंदिर के स्टेज पर कर ली तो क्या दिक्कत है, अपनी बहन को नचा लिया हमने, क्या देश में क्या दिक्कत है। तुम लोग तो जबरन है, कला नहीं समझते, कला अब नई बात आई, कला प्रतिभा, नाचने का टैलेंट बहुत बढ़ गया। मैंने इस एंगल से सोचो जरा क्या कह रही है। नहीं ऐसे मैंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम में तो भोपाल में हमने देखे, हमने 10 दिन की प्रतियोगिता लगा देते, 10 दिन की प्रतियोगिता, अब स्वाध्याय बिल्कुल नहीं बचोगा, दिन रात टीवी में लगे सब क्या करें। एक दिन फैंसी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस हो गई, एक दिन म्यानी लगा हो गई, एक दिन वो हाहू, तुम हाहू क्या होती है, हाहू क्या होती, तो बस वही
जैसे टीवी में हंसाते हैं ऐसे यहाँ हंसाओ। वहां डांस प्रतियोगिता, यहाँ डांस प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता उसी गंदी स्तर की, पब्लिक बहुत आ जाती है, खुश हो जाते हैं, प्रभावना हो गई। कौन की प्रभावना हुई? मैंने महावीर भगवान सचमुच यदि उत्पस्थित हो तो कितना बुरा लगे, मैंने तो उनकी बिल्कुल मान्यता के खिलाफ काम कर रहे। जैसे हमारे कमरे में ही गंदे काम करो, ऐसे नाचो कूदो तो कैसा बुरा लगेगा? हमारे सामने खाओ पियो, जरा दारू की बोतल पियो, बहुत दूर की बात है, सोचना ही मुश्किल है। तो भगवान के मंदिर में क्या कर रहे थे तो सोचो। और भी ऐसे दिन कितने कितने गंदे कार्य किया, कहीं दिमाग में है ही नहीं। फिर कभी कभी प्रश्न उत्तर पूछ लेंगे, प्रश्न उत्तर भी ऐसे हल्के लेवल के ही पूछो। समझ में आ रहे? अब तुम जो लगता है 20 दिन का सिविल, सोचो इस तरह कितना अलग है। तात्विक पंचकल्याण की सभाएं सुन के देखो, यहाँ की पंचकल्याण की सभाएं सुन के देखो आप, सभा कितने उच्च स्तर की चर्चा होती है भाई। भगवान की वैल्यू कम कर रहे जी, कह स्वाध्याय करते नहीं तो इसलिए वैल्यू कम हो जाती भगवान की। समझिए कितने खराब दृष्टान दिए, क्या लिख रहे हैं? वे बड़ा अन्याय करते हैं। और क्या प्रश्न पूछा? यहाँ कोई हिंसा द्वारा जो कार्य करते थे, हिंसा झूठ चोरी कुसीर परिग्रह के द्वारा जो काम करते थे, हिंसा मतलब हिंसा झूठ चोरी कुसील करके जो काम कर रहे वो यही कर लिया हमने, तो इसे क्या दो ही काम हो गए। देखो भाई धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए तो क्या बुरा होगा, दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाती है। दोनों माने धर्म भी हो गया और हमारा लौकिक काम भी हो गया। उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है, ही होता है, ही मन कन्फर्म नहीं नहीं इतनी मन का सहायता पढ़ना, पाप ही होता है। अब दृष्टांत दे रहे थे, कैसे दृष्टांत दे रहे? जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवनादि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। अब अलग से बनवाएंगे कितनी हिंसा होगी, अलग से काहू बनवाए, यही में ठीक है, चैत्यालय में एक कमरा खाली पड़ा यही कर लेंगे, क्या दिक्कत नहीं, पाप ही हो। क्या लिख रहे हैं? देखो हिंसादि द्वारा भोगादि हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, हिंसादि के द्वारा अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं, उन्हीं को आजीविका आदि के लिए पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसा आदि से आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, हिंसा आदि से समझ गए उद्योगी हिंसा, खेती बाड़ी करना पड़ा तो करे, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर की चावल नहीं खा जाए, खेती करना पड़ा कर लो, वो बात नहीं, मंदिर में चावल उठा ले 1 किलो रोज खा गए, ये नहीं करना, समझ गए? जब कितनी स्पष्ट भाषा लिख रहे हैं, हिंसा द्वारा भोगादि के लिए मकान बनाओ तो बना लो, हिंसा झूठ चोरी कुशील तो जैसे बनता हो वैसे बना, हम नहीं मारा, चैत्यालय में नहीं करना। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य है, धर्म का साधन है ये, उन्हीं को आजीविका आदि का पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसा आदि से आजीविका करना तो कर लो, उद्योग हिंसा कोई दिक्कत नहीं तो करे, परंतु पूजा आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना, प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। खुद बहुत सोचना है इसमें, बहुत पुजारी का दोष नहीं है इसमें, पुजारी का काम दोष नहीं है इसमें। आजीविका का मतलब समझ लीजिए, जैन मंदिर में जैन भाई काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई से तो कराओगे आप काम, वो तो एक नौकरी है, पोस्ट है वो। जैसे अपने स्मारक है, स्मारक में दान के पैसे से चलता है, तो फिर पढ़ाने वाले टीचर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? और सोचो इतने कम पैसे लेकर के भी 24 घंटे देके पढ़ा रहे हैं, इन्हीं पाटिल वगैरह को एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए मिलते हैं अभी कॉलेज में होती तो। डॉक्टर साहब यदि किसी यूनिवर्सिटी में होते और रिटायर होते तो अभी उन्हें 10 लाख रुपए सालाना महीना मिल रहा होती,
जी आजीविका नहीं कहलाती। आजीविका कब कहलाती? हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे, हम नहीं कर रहे पूजा, जी अब आजीविका हो गई। पैसा मिले या ना मिले, हम जैन हैं, हमारे भगवान हैं, हम करेंगे। लेकिन जैसे तुम्हें लगता हमें पैसा नहीं दे रहे, तो जी गए चूल्हे में, गए मंदिर, भाड़ में गए भगवान, तो जी आजीविका का दोष लग गया। तुम समझते हो इस मार्ग में कितनी निष्ठा से पढ़ाते हैं ये लोग, 24 घंटे रहते हैं वही, 24 घंटे छुट्टी तक नहीं मिलती, रविवार के दिन भी काम करती हैं, तो जी आजीविका नहीं है। अब जैसे तुम प्रवचन करने जाओ, पैसा ले लो, जी है आजीविका, पैसा ले लो माने मांग के पहले से, 11,000 से कम नहीं लेंगे, 21,000 से कम नहीं लेंगे, 1,00,000 से, जी है आजीविका। पहले हमारे पैसे तो नहीं, हम नहीं कर रहे प्रवचन, हम नहीं करा रहे प्रक्षाल, हम नहीं करवा रहे शांति धारा, पहले हमारे पैसे दे, जी है आजीविका। मैंने तुम्हारा तत्व ज्ञान और टैलेंट पैसे के बिना नहीं चलता, ये है आजीविका, समझ गए। समझ में आ रहे आजीविका के अर्थ, समझना अच्छी तरह से। पंडित साहब ने बहुत खुलासा किया है कि उनसे कहते हैं कि तुम धर्म कार्य में आजीविका नहीं करना, और श्राव को कहा है कि तुम विद्वानों की इतनी व्यवस्था करना कि उन्हें आजीविका की जरूरत ना पड़े, उनको ऐसा कहा है। धर्मी धर्मात्माओं की आंखों की तरह रक्षा करना, समझना बहुत कड़क है थोड़ा पाठ। अब जैसे विद्वान पैसे नहीं लेते, तो इसका मतलब ये थोड़ी समाज उनकी व्यवस्था नहीं करेगा, आने आने टिकट नहीं देगा, ये आजीविका थोड़ी है। सुनो फिर क्या करना चाहिए, भाव भाव उसमें लिखा है, भाव दीपिका वगैरह और अन्यत्र भी लिखा है, इसमें भी लिखा रत्न साहब। विद्वान पैसे नहीं लेते ये उनकी शोभा है, और भी पैसे के लिए मारे मारे नहीं फिर रहे हैं, ये तुम्हारी शोभा है। उनको ऐसा लिखा है, सब लिखा है पढ़ना उनके, यही तुमने कहा चढ़ना नहीं पढ़ो, उनके पास जाना, बात ही बात में पता लगा लेना परिवार में सब कुशल है कि नहीं, आर्थिक स्थिति कैसी है, पूछना नहीं पैसा कितना है तुम्हारे घर में, क्या करते हो, नहीं बातचीत करो, नहीं बातचीत करो, माता पिता स्वस्थ होंगे, कितनी आयु हो गई होगी, कौन कौन कमाता है, कितनों की शादी हो गई नहीं हुई, ऐसे बात ही बात है, बड़े बुजुर्ग चले जाते बैठे बैठे विद्वान से बातचीत पता लगा ली थी। फिर यदि देखा कि योग्य लड़का लड़की है, उनसे नहीं कहते कुछ, अपने समाज में योग्य लड़का लड़की है संबंध करा देते, मैंने उनकी जिम्मेदारी अपने से ले लेते, जैसे राजेंद्र कुमार जी की ले ली जबलपुर में, यहां से रखा है बिल्कुल पूरे समाज ने, कभी उन पर आंच नहीं आने दे, शादी हम करा रहे, तुम क्या करो, उनके लड़के की कोई टेंशन हुई तो सब समाज ने करी, उन्हें कभी नहीं, उन्हें केवल प्रवचन के लिए रखा है, रखा नहीं है मतलब समाज में है ना देखती, लेकिन इतनी इतनी रक्षा कोई नहीं करता जितनी मैंने उन्हें की है, समाज वाले कभी भी उन्हें किसी तरह की, आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं उन्हें हाथ पे लेकर के, बहुत बड़ी बात है। स्थानीय विद्वान में जितना आदर राजेंद्र कुमार जी को मिला है बहुत कम लोग पा सकते हैं ऐसा मतलब आदर, तो बेउत्तर निष्प्रय है। सिविल में भी आए और एक पैसा नहीं मिला, चुपचाप चले गए, किसी को बताया नहीं, हम पैसा नहीं मिला जैसे, आने आने का टिकट भी, जी मुझे निष्प्रयता है उनकी, मिले नहीं मिले कोई बात, शांति चले, कभी उफ नहीं करेगी हम पैसे टिकट कुछ नहीं, आते समय भी ऐसी आते हैं और जाते समय भी ऐसी चले जाते हैं, मतलब जी अच्छी चीज है, आया समय आया, ऐसी चीजें सीखो तब पूज्यता आएगी, ऐसी नहीं आएगी पूज्यता, तो जी आज ही को कहलाती है, पैसा ले लेके बिजनेस करना, प्रवचन करना, पैसा लेके पंच कल्याण करना, पैसा लेके ये सब काम करना, और पैसा नहीं मिले तो अड़ गए हम नहीं उठाएंगे जिनवाणी, जी नहीं। इस मामले में आप जतीश भाई जी को देखो, जतीश भाई जी को जिनवाणी की जो जितना आदर देख रहे हैं, जतीश भाई जी की देन है, जो जितना आदर से विराजमान कराएगी, देखो किसी को रोजगार दिला दिया वो जड़ के देती है, महिला पुरुष गरीब है समाज के, उन्हें पैसे मिल जाते हैं बनाने के, और आपने विराजमान हो गए, उनका रोजगार करा दिया, लेकिन खुद 5 पैसे नहीं रहते इसमें। और जिनवाणी ऐसी भक्ति से उठाना, जितना काम करते हैं, रात को सब सो जाती हैं,
भाई जी सबसे आखिरी में सोती है पंच कल्याण का, जब पूरा पंडाल झड़ जाएगा, पुस जाएगा, सब जम जाएगा पूरा, और सुबह 6:30 बजे 5:30 बजे प्रवचन के टाइम की व्यवस्था हो जाएगी, तब जाके 2 घंटे लेटेंगे और फिर आ जाएंगे 5-6 बजे। इतना इतने एक काम किया है, इसको कहते हैं भक्ति। अब जी आज का तुम 1 करोड़ रुपया भी दो ना भाई जी को ये पंच कल्याण कराने के, तो अभी उनकी वैल्यू पूरी नहीं कर पाओगे आप। 1 करोड़ रुपया दो तो अभी, फिर आप करते हैं पर जान लगाते हैं जान। दोष हो जाता है तो प्रायश्चित में उपवास करती हैं और फिर काम पूरा करती हैं। प्रायश्चित में देखा है पानी की बूंद नहीं पीते और 3-3 दिन के उपवास करके भी पंचकर्म पूरा करा दे, जान लगाते हैं। जरूरत पड़ जाए तो सुबह कोई कर्मचारी नहीं आता है तो खुद ही आके चटाई बिछाएंगे, विराजेंगे, जिनवाणी विराजमान करके बैठ जाएंगे। यदि उन्हें देखा 5 मिनट के अंदर कोई विद्वान नहीं आए, भाई तब लेट आ गए तो खुद ही बैठ जाएंगे, चाहे 2 आदमी बैठे हो सुबह प्रवचन करना शुरू। ऐसी निष्प्रयता होती जी। अब आजीविका समझिए क्या आजीविका क्या का नाम है, पैसे के लिए सोचते रहना जे आजीविका, इसलिए इस मारक के मामले में नहीं समझना आजीविका है, नहीं फिर करेगा कौन, पढ़ाई इतने अच्छे निष्ठावान विद्वान पढ़ाएंगे कौन, फिर स्कूल में जी तो दिक्कत हो रही तुम्हारी, सरकारी पेमेंट से लेने वाले ढंग से पढ़ाती तक नहीं, तो इनका आदर करना सीखो बेटे। सच कह रहे तुम्हारी स्मारक में जितने जी पढ़ा रहे हैं, जिनेन्द्र हो चाहे कौन कौन है, गौरव हैं, कोई भी हो, पाटिल जी हो चाहे पीयूष जी हो, इनके ये समझो ये ऋषि हैं तुम्हारे, इनके पैर भी छुओ ना रोज तो काम है। ये अपनी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के बैठे हैं वहाँ, अपना ज्ञान दे रहे हैं तुम्हारे लिए। मैं हंसी मजाक में मत लेना कभी, ज्ञान ज्ञान का अनादर, ज्ञानियों का अनादर। पीयूष जी आज कितने इंटेलिजेंट हैं, प्रतिज्ञा करके बैठेंगे हम सरकारी जॉब में नहीं जाएंगे, चाहे तनख्वाह कम मिले ज्यादा मिले नहीं मिले रहेंगे वहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं सर, तब चल रही है संस्था आजीविका से नहीं चल रही है, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई, समझ गए बेटी। तो आजीविका का मतलब अलग है, और फिर समाज की भी जिम्मेदारी है, विद्वान यदि पैसे नहीं लेते तो उनकी पूरी व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा लिखा है और क्या ज्यादा क्या कहें, प्राण हूं दे के रक्षा करे, क्या लिखा है और ज्यादा क्या करें, समझ गए। लिखा है एक प्रवचनकार विद्वान हो, विद्वान एक प्रवचनकार विद्वान, उसकी रक्षा करने के लिए 1,000 श्रावकों को मरना पड़े तो मर जाए उसकी रक्षा करने के लिए, क्यों 100 श्रावक वो काम नहीं कर सकते, 1,000 जो एक विद्वान करता है, जैसे कि राजा और लाखों सेना। राजा बहुत बड़ी बात है, राजा एक राजा मरा मन बहुत बड़ी नुकसान है वो तो। ऐसे समाज में यदि एक नीति विचारक, नीति उपदेशक और निर्देशक वो चला गया तो समाज सभा हो जाएगी। और शिवाजी देखो, शिवाजी थे तो इतना बड़ा साम्राज्य जीतते ही चले गए, मराठी लोग तो बेगी भी थे, सोच उनकी थी तो उनकी रक्षा की जाती, हम मरेंगे जाओ तुम भागो, हमें तुम जिंदा रहोगे तो और खड़े हो जाएंगे, तुम मर गए तो सभी खत्म हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ऐसे राजा की कीमत होती, ऐसे एक पंचमूल स्थान भर्ती पे 1,000 सम्यक दृष्टि जान निछावर करना पड़े तो करेंगे, पंचमूल स्थान की रक्षा करेंगे। ऐसे 1,000 पंचमूल स्थान भर्ती एक द्रवलिंगी मुनिराज की रक्षा करेंगे, द्रवलिंगी मुनिराज बहुत कीमत है, द्रवलिंगी मुनिराज की 1,000 द्रवलिंगी मिल करके अभी एक भावलिंगी की रक्षा करेगी, समस्त भावलिंगी मिल करके अभी एक गड़धर की रक्षा करेंगे, गड़धर भगवान तीर्थंकर, ऐसे क्रम है। मैंने इसलिए बताई तुमको बेटी, तुम्हें अभी कीमत नहीं करते अपने स्मारक की, बहुत कीमत करो उन विद्वानों की, बहुत कीमत करो स्मारक अकेले की नहीं बेटी, जहां जहां ये तो सब जगह संस्थाओं में लगाना। मैंने आज ही कहा उसका नाम थोड़ी है, बाकी तो बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत चल रहा है।
प्रश्न, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन करके पर घर में भोजन करते हैं तथा साधर्मी साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सुख कैसे बनेगा? एक पार्ट तो हमने लगभग बताया कि साधर्मी साधर्मी का उपकार करते कराती करते कराती है कराते भी हैं। जैसे हम बेटा इनकी मदद करते, कोई बच्चा हमारे पास आया, हमें 10,000 रुपये फीस चाहिए। अच्छा, तो अब वो बच्चा कहाँ जाए बेचारा, हमारे पास आएगा कि नहीं? अब हमारे पास है तो हम दे देंगे, फोन करेंगे भैया इस बच्चे को 10,000 की मदद की जरूरत है, करते कराती है। सब जगह लगाना इसको, अब फीस अकेले की नहीं, आज हम चौका नहीं लगा पा रहे, अरे तुम चौका लगाओ, महाराज जी का चौका लगाओ, कोई नहीं समाज में, बिबदा की घड़ी है, तुम ही करो, कराओ तो करो, कराओ, समझ गए? ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, आप बेटा पढ़ा दो, ए तुम पढ़ाओ, चलो भक्तान पढ़ाओ, ऐसे करो कराओ भैया। अब कोई नहीं है, रात के 2 बजे आए तो चलो चलो हम ही आ रहे, ये कमरा खोल दिए, झाड़ू लगा दी, ठहर नहीं भैया, नौकर चलो सफाई करो, इन्हें ठहराना है, करें और कराएं, समझ गए? मैंने ऐसा नहीं समझे, तुम्हें समझे नहीं होगे भी, हल्के अर्थों में समझे होगे तो। जैसे मान लो समाज में विद्वान आ गए, विद्वान आ गए, अब कोई नहीं है, तुम ही, तब जब मैं सोचो अब हम झाड़ू करें, अब ऐसे ही पढ़ो है, क्या करें, ऐसे नहीं सोचो, लग जाओ, लैट्रिन बाथरूम साफ कर दो, जाओ सब साफ करो, खुद कर दे, और मान लो कोई हुए तो करा दे, अपन बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो करा दे, बुला के करा दो, अपने बच्चे से करा दो, भाई से कराओ, जिससे उससे कराओ, करें कराए, समझ गए? चौका में भी खुद नहीं कर पाए, दूसरे से करवाएंगे, उद्देश्य थोड़ी होता है, उद्देश्य क्या होता है, कब तुम नहीं खाओगे क्या आज? उद्देश्य का मतलब ये नहीं होता कि उन्हीं के उनके नाम से नहीं बनाया जाता, अपन सब भी खाते हैं, उसमें से दिया जाता है, हैं? है तो बोली है, तो बोलने नहीं बोलता, बोलना तो व्यवहार है, व्यवहार की वैल्यू तो 0 होती है, बोलना तो व्यवहार का शब्द है ना, बताओ हम तुम्हें उपदेश कैसे देंगे? घर में मेहमान आ जाती है तो कोई बोला थोड़ी जाता है, अरे अब इनकी लाई रोटी बनाओ, ऐसे थोड़ी बोला जाता, चल चल काम करो, हम तो उपदेश ऐसे ही देंगे ना, करें और कराएं, मंदिर का काम करें कराएं, प्रवचन का काम, पाठशाला का काम करें कराएं, मान लो 80 साल के हो गए, 90 साल के हो, हम नहीं कर पाएंगे बेटा, चलो करो, ऐसी महिलाएं करेंगे भोजन बनवाएंगी, चल बेटा बनाओ, अरे तुम ही बनाओगी एक दिन, डरो मत, नए नए हो, करो, गलती होगी हमें भी, करो ऐसे, जब तो ये परंपराएं चलेंगी, सीखें सिखाएं। अब जैसे मान लो हम अब ये नहीं आते प्रक्षाल के लिए, तो तुम्हें भेजते रोज, जाओ बेटा रोज कहते जाओ बेटा प्रक्षाल पूजा करो, तो मत छोड़ो, नकल मत मारो हमारी, तो ऐसा तो नहीं, हम एक दिन भी प्रक्षाल पूजा याद नहीं आती, अब मान लो कोई नहीं, तो हम आ जाए अपने हाथों से करें, भले से 2 घंटा लगे, हम कब आते, और बिल्कुल इतनी सी मलनता नहीं होगी, कोई नहीं है, अरे हम है ना, कोई कैसे नहीं है जी, क्यों कहते हो कोई नहीं है, हमें तो ये तो महाभाग्य जो अपने को अवसर मिल जाता है, तो करें कराए, समझिए हर क्षेत्र में लगाना, 10-15 दृष्टान दे दिए, हाँ चलो। और पर घर भोजन करते हैं मुनिराज, चर्चा तो बड़ी है, शाम को पढ़ते हैं इसको, बड़ी है थोड़ी चर्चा, और बड़ी मैंने हो सकता है इसी में बहुत समय लग जाए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे एक आत्मानुशासन की गाथा बताएंगे कलश उसका, इसमें आजीविका का अर्थ मुनिराजों के लिए भी कहा है, मुनिराजों के लिए भी लिखा है आत्मानुशासन में कि वे आजीविका नाम का दोष करते, और एक काम करना तुम जिन्हें चाहे तो वो ले लो, क्या कहलाती है समण समीक्षा, तो उसमें आहार की पद्धति पढ़ो आज, और नहीं तो जिनेन सिद्धांत कोश देखो कहाँ है, उसमें से पढ़ो, उसमें से आहार की पूरी पद्धति पढ़ो आज, 46 2 22 32 अंतराय, 9 9 भक्ति, 7 दातार के गुण आज पढ़ लो, उसमें से पढ़ लो, रत्नगढ़ साहब का 4 दिन में से, इन सब में से पढ़ो, मैंने सब जगह से पढ़ो, फिर उसमें देखो आजीविका का दोष लिखा है कि नहीं लिखा है।
ओम नमः शिवाय।